का सेवन किया था, उन सारी चीजों को भी कस्टडी में लिया जाएगा और उसकी उसका भी परीक्षण कराया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों को शासन की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पहले की तरह जूता मोजा नहीं उतारना होगा। शासन की तरफ से यूपी बोर्ड सचिव समेत सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि नकल रोकने की व्यवस्था के तहत परीक्षा से पहले छात्रों की तलाशी की जाती थी, जिसमें जूता और मोजा उनसे उतरवा दिया जाता था। इसके बाद पूरे समय परीक्षार्थी बिना जूता और मोजा के ही परीक्षा देते थे। फरवरी में ठंड के समय में परीक्षार्थियों को काफी समस्या होती थी, लेकिन शासन के आदेश के बाद परीक्षार्थियों को इस समस्या की अब परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही शासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षा के दौरान गलत विषय, तिथि और पाली का प्रश्न पत्र नहीं खोल सकते हैं। तो वही परीक्षा के विषय में प्रेस या फिर मीडिया को किसी भी प्रकार की ब्रीफिंग करने पर भी रोक लगाई गई है। लखनऊ में कॉपियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। कॉपियों में होगा सिक्योरिटी कोड। पहली बार आ और ब की कॉपियों के रंग में परिवर्तन होगा। कॉपियों की हेराफेरी पर लगाम लगेगी। इससे सभी जिलों को ये निर्देश भेजे गए हैं। कॉपियों में सिक्योरिटी कोड होगा, ये निर्देश दिए गए हैं। पहली बार अ और ब की कॉपियों के रंग में परिवर्तन होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉपियों की हेराफेरी पर इससे लगाम लगेगी, ये कहा जा रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष ने नगर विभाग के अधिकारियों के साथ ओबीसी आरक्षण के डेटा और आयोग की अब तक हुई कार्रवाई पर बात की है। 5 सदस्यीय आयोग की 2 टीमें प्रदेश के अब तक 30 जिलों का दौरा कर चुकी है। जिलों से मिले सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अभी तक मिले आंकड़ों का ओबीसी की जनसंख्या, शैक्षिक